हाँ तो सर जी आइए आगे चले, नोट कर लिया आपने। अब कुछ बातें आपको और बताता हूँ बाबू, कुछ चीज़ें और चलते हैं। अब जैसे एक एंगल देखो, डायमेंशन लेस है। एंगल कैसा टर्म है? डायमेंशन लेस है। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, जरा चेक करें, क्लियर आ रही है? एंगल जो है, एंगल इज डायमेंशन लेस, ठीक? समझना बच्चों, अब कई बार ऐसा टर्म होता है, सिंपल एग्जांपल से शुरू करता हूं। वाई इज इक्वल टू ए साइन अल्फा टी, ऐसे दिया, ठीक। वाई इज इक्वल टू ए साइन अल्फा टी, ए साइन अल्फा टी, ओके, ए साइन अल्फा टी। बाबू टी कहते हैं टाइम, तुमसे कहते हैं अल्फा की डायमेंशन बताओ और ए की डायमेंशन बताओ। क्या पूछते हैं? अल्फा की डायमेंशन बताओ और ए की डायमेंशन बताओ, ठीक। एक बात तो ये समझो, क्या ए की डायमेंशन तो हम चट्ट से निकाल लेंगे, क्योंकि ये पूरी चीज डायमेंशन लेस है। कहो कैसे? अबे अभी मैंने बताया एंगल डायमेंशन लेस होता है। एंगल कैसा होता है? डायमेंशन लेस। तो ये क्वांटिटी की डायमेंशन तो है नहीं, तो सिर्फ वाई की जो डायमेंशन होगी वही ए की होगी। वाई हो गया लेंथ, तो ए भी हो गया लेंथ। एक बात पहले बताओ, ये समझ में आया? वाई हो गया लेंथ तो ए भी हो गया लेंथ। बोलो बच्चा, ठीक है साहब। अब अल्फा टी से अल्फा की डायमेंशन निकालनी है मेरे लाल, अल्फा, ठीक बाबू? गौर करो, ये पूरा एंगल ही तो लिखा होगा। अरे साइन के साथ साइन थीटा लिखते हो, ये दिस होल टर्म इज एंगल, पूरा ही एंगल है, साइन ही एंगल ही होता है। और ये तो यूनिट रेडियन वाला एंगल, ठीक ठीक। तो ये एंगल हुआ, और एंगल होता है डायमेंशनलेस, तो यानी कि जो अल्फा टी है दिस इज डायमेंशनलेस। बोलो, अल्फा टी है दिस इज डायमेंशनलेस। अब एक छोटा सा अपना एजम्पशन बता रहा हूं तुमको, मैं तो चट से बता दूंगा आंसर। कहीं बच्चों डायमेंशनलेस कोई चीज पूरी पूरी है, तो आप उसकी जगह वन लिख लो, वन। क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है, ये कोई साइंस का लॉजिक नहीं है, ये मेरा लॉजिक है, इससे क्वेश्चन आसानी से निकल आता है। कोई क्वांटिटी का डायमेंशन लेस आ जाए तो उसको आप वन लिख लो, ठीक। तो अल्फा टी इज इक्वल टू वन, तो बता सकते हो यहां से अल्फा की डायमेंशन कितनी होगी? टी नीचे ले जाओ, वन बाई टी, तो वन बाई टी डायमेंशन आ गई, या फिर टी की पावर माइनस वन आ गया। बोलो, तो अल्फा की डायमेंशन होगी टी टू द पावर माइनस वन। बोलो सर, समझ गए? तो ध्यान रखो, जो क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो उसकी जगह वन लिख लेना, तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी तुमको, ठीक। मैं कैसे बताता? मैं तो ऐसे बताता, अल्फा टी डायमेंशनलेस है, यानी कि जो टी की डायमेंशन हो अल्फा की उसकी रिवर्स हो, तभी तो कैंसिल होगा। तो मैं तो ऐसे बता सकता हूँ, अल्फा वन बाई टी होगा, ताकि टी और टी आपस में कैंसिल हो जाए, ताकि टी और टी आपस में कैंसिल हो जाए। लेकिन तुम लोड मत लो, तुम भी करने लगोगे, लेकिन फिलहाल क्या करो,
अल्फा टी इज इक्वल टू जो क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो उसको वन लिख लो, ठीक है, जो क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो उसको वन लिख लो। हाँ, बोर्ड में ये ट्रिक अगर ऐसे लगाओगे, रफ में लगा सकते हो तुम, ऐसे लिख देना अल्फा टी डायमेंशन लेस, बस ये लिखना अल्फा टी डायमेंशन लेस, बस ये रफ में कर लेना, देन टी इज अल्फा की डायमेंशन टी की पावर माइनस वन, ये लिख दोगे तुम्हारा बोर्ड में सही हो जाएगा। लेकिन ये लगाओगे ना तो ये बाबू थोड़ा सा अदर वे में जाके है, ये तुम्हारे खुद के सॉल्व करने के लिए रफ वर्क में कर लेना इसको, ठीक है। बोर्ड में बस इतना लिखना अल्फा टी डायमेंशन लेस, तो डायरेक्ट लिख दोगे एकदम सही माना जाएगा, अल्फा की डायमेंशन वन बाई टी, अल्फा की डायमेंशन वन बाई टी, ठीक है। ईशु भाई समझ गया ना, ये अपनी सहूलियत के लिए सिखाया मैंने तुमको, ठीक। एक क्वेश्चन और करोगे? चलो, y इज इक्वल टू ए साइन अल्फा माइनस एक्स अपॉन बीटा टी, ऐसा लिखा, ठीक, जहां पर एक्स, एक्स क्या है लेंथ, और टी क्या है टाइम। आपसे डायमेंशन अल्फा एंड बीटा की पूछी गई है, अल्फा एंड बीटा के डायमेंशन आपसे पूछी गई है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। करो, दो मिनट का टाइम, सोचो। चलिए मैं बताता हूँ, जिन बच्चों का नहीं हो पाया वो लोग देखो। अल्फा इज इक्वल टू बीटा टी मोहम्मद शेफ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, हम तो अब देखो मैं बता रहा हूँ, चेक करो, ठीक यार। इस वाली पूरी क्वांटिटी में अगर हम बात करें, इस वाली क्वांटिटी में मैं बात करूँ, इसमें एक बात तो ये है, जो डायमेंशन एक्स की होगी वही अल्फा की होगी, क्यों याद है तुमको, सेम डायमेंशन की ही चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, सेम डायमेंशन की चीज़ों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो जो डायमेंशन एक्स की वही डायमेंशन अल्फा की, क्लियर। तो एक्स की डायमेंशन एल, तो यानी कि अल्फा की डायमेंशन भी एल, एक पॉइंट क्लियर हुआ, खत्म, ठीक ठीक। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात बाबू ये है कि इस पूरा, ये पूरा टर्म जो भी होगा डायमेंशन लेस होगा, क्यों, अरे साइन के साथ नहीं लिखा है, तो ये पूरा टर्म जो भी होगा दैट इज, दैट शुड बी डायमेंशन लेस, बोलो बच्चों, ठीक। तो पूरा टर्म डायमेंशन लेस है और ऊपर वाले की डायमेंशन कितनी आ रही है, अरे इसको काट मत देना कि ये एल, ये एल कड़े है, एल रहेगा, ऊपर वाले की डायमेंशन कितनी आ रही है एल, नीचे बीटा है और टी की डायमेंशन टी, ये पूरा डायमेंशन लेस है। अब डायमेंशन लेस है तो मैं तुमको पहले बता चुका हूं क्या लिख सकते हो, वन लिख सकते हो, डायमेंशन लेस को वन लिख लो। अब बीटा को इधर ले जाओ तो बीटा की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल बाई टी या फिर एल टी माइनस वन, क्लियर है मेरे लाल, समझ गए सब बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, ठीक, क्लियर है। चलो चेंज करूं पेज, एक डायमेंशन और बताओ, कहीं पर भी ई की पावर, ई एक्चुअल मैथ्स का एक टर्म है,
एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं ई को, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक, कभी भी ई की पावर में कुछ लिखाओ, कुछ भी लिखाओ ई की पावर में, दैट इज डायमेंशनलेस। ई की पावर में कुछ भी लिखाओ दैट इज डायमेंशनलेस। लिख लो ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। और ई की पावर में लिखो, ई की पावर में कोई भी टर्म लिखी है, ई की पावर में कोई भी टर्म लिखी है दैट इज डायमेंशनलेस, वो होती है डायमेंशनलेस। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, जैसे क्वेश्चन आता है कहते हैं ई की पावर, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ई की पावर अल्फा टी ऐसे लिखा है, मानो सिर्फ ऐसे लिखा है, y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा टी, बोलते हैं अल्फा के डायमेंशन बताओ। नहीं बता पाओगे क्या, तुरंत बता दो क्या, तुम्हें पता है मेन कॉन्सेप्ट, ई की पावर में जो भी टर्म लिखी होगी वो डायमेंशनलेस होगी, तो अल्फा टी डायमेंशनलेस होगा। बहुत बढ़िया, टी की पावर माइनस वन, हाँ अल्फा टी वन होगा तो बताओ अल्फा कितना होगा, वन बाई टी होगा तो बताओ कितना हो गया, ये टी की पावर माइनस वन आ गया। समझ गया सर। अब ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे डिफरेंट डाटा दे देंगे, बस तुम्हें यही सोचना होगा, ठीक है, आशा आशा सबका सही है। ठीक, तुम्हें यही सोचना होगा कि ई की पावर में कोई भी टर्म लिखी है वो होल टर्म जो है वो डायमेंशनलेस होनी, साइन कॉस टेन के साथ जो भी टर्म लिखी हो वो होल टर्म जो है डायमेंशनलेस होनी है। ठीक है, कर लोगे। ये लगभग हमारा डायमेंशन एनालिसिस ख़त्म हुआ। ठीक, एक दो छोटी छोटी बातें और कर लो, एक दो छोटी चीज़ें और कर दे रहा हूँ भाई। ठीक, कुछ यूनिट है जो तुमको ध्यान रखनी है यूनिट के बारे में, ये यूनिट यार थोड़ा सा नोट कर लेना, याद रखना बाबू, ये कन्वर्जन है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर या 10^-7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10^-6 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^-2 मीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको सीसी भी लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑल्सो नोन एज सीसी। अरे सीसी सुने हो गए यार, अरे गाड़ी बाइक वगैरह नहीं होती है कि इंजन 300 सीसी का है कि 500 सीसी का है, चलाते हो गए तो वो सीसी, वो एक्चुअल में सेंटीमीटर क्यूब होता है, इंजन का वॉल्यूम होता है वो। 10^-2 मीटर, ये 1 सीसी इज इक्वल टू 10^-6 मीटर क्यूब, 1 सीसी इज इक्वल टू 10^-6 मीटर क्यूब। डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होती है वाटर की, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, ये वाटर का है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सीसी या फिर 10^-3 kg/m³। हाँ क्यूबिक सेंटीमीटर, यस अन्नी एकदम सही, क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं इसको। ठीक है, 10^3 kg/m³, नोट कर लो जल्दी से। चले एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी से बताना, ये क्वेश्चन दिख रहा है,
जल्दी से बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट कौन सी है इसमें से? मैं बताऊँ फर्स्ट? नहीं गलत, नहीं गलत है बाबू, एनर्जी वाट नहीं होता सतीश, नहीं बाबू फोर्थ नहीं ना, वाट नहीं, लड़ा दियो मैं बताऊं वॉट इनटू डे, देखो कैसे, कैसे पावर, सुने हो पावर, पावर पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क जूल पर टाइम सेकंड, कुछ भी कह सकते हो, ये होता है वॉट। आई बात समझ में? ठीक है, दिस इज वॉट। तुमसे तो एनर्जी वर्क की पूछी है, इसकी पूछी है, तो टाइम को इधर ले जाओगे ना, तो वर्क डायमेंशन क्या आएगी तुम ही बताओ, पावर इनटू टाइम के बराबर आएगी ना, बोलो पावर इनटू टाइम के बराबर आएगी, बोलो बच्चों पावर क्या है, वॉट। और देखो कोई टाइम का टर्म है, टाइम यहाँ डे है, देन दिन मतलब समय तो हो गया, बोलो तो वॉट इनटू डे, समझ गए? जल्दीबाजी मत किया करो, आराम से किया करो, पर्याप्त अपना समय लेके, ठीक है नोट कर लो। बताओ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ प्रेशर याद करने वाला है, पास्कल होती है, एसआई सिस्टम में प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, याद कर लो, दैट इज पास्कल, लर्न। अपने एमकेएस सिस्टम में होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एमकेएस में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जल्दी से बताना, पावर है ये पावर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, थर्ड अभी मैंने बताया था आशा, फोर्थ नहीं बेटा थर्ड, 10^-9, ये सब सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना मीटर में नहीं है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर, और ये सेंटीमीटर है तो 10^-7 सेंटीमीटर, ठीक है ये थोड़ा ध्यान देना, ये सब यूनिट सेंटीमीटर में दी है, मीटर में नहीं दिए कोई भी, ठीक है आगे चलो। डेंसिटी ऑफ वाटर अभी मैंने बताया था, ये पावर है 10^3 kg/m³ होता है, 1 g/cc है, kg/m³ में कितना होता है 10^3, ये पूरा लिखा नहीं हमारे ऑपरेटर में, तुम लोग लिख लो 10^3 kg/m³, यस सेकेंड, 10^3 kg/m³ डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, ये बेटा आपका लगभग डायमेंशन मैंने खत्म कर दिया, उसके एप्लीकेशंस हैं, मैं कोई शीट आपको दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या कुछ, वैसे अभी फ़िलहाल तो ये क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं इनको दोबारा कर लो, ठीक है। आइए सर कुछ बातें और करते हैं, एरर 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 यानी कि मिस्टेक,
मिस्टेक यानी कि गलती। गलती ठीक साहब, एरर पढ़ेंगे एक क्वेश्चन, इसका भी हर दो साल में तीन साल में रिपीट हो रहा है सर एरर का। और 2019 यानी कि लास्ट ईयर मेरी शीट का सेम क्वेश्चन उतर के चला आया था। मैं शीट आपको भेज दूंगा और मेरी शीट में ये लगभग 10 साल पुरानी शीट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो आपके कोई पहले पढ़े हुए हों या कोई मिले उनसे ही शीट ले लेना, उनके बाद भी यही शीट होगी। एरर का क्वेश्चन उतर के चला आया, क्वेश्चन नंबर था, मैं बताऊं कौन सा क्वेश्चन 2019 में आया, क्वेश्चन नंबर था मेरी शीट का आठवां, एट्थ, पिछले साल आया नीट में। शीट के क्वेश्चन डेटा उतर के चले आएंगे। तो सर एरर होती क्या चीज़ है, गलती होती क्या चीज़ है? यार गलती तो हम सब से होती है यार, अगर हम लोग गलती ना करें तो हम लोग भगवान ना बन जाए। हम क्या हैं? इंसान, और इंसान तो गलती करता है। इंसान जो है गलतियों का प्रतिरूप है। सुबह उठते होगे, शाम तक ढूंढोगे, कम से कम 5-6 गलतियां तुमने करी होंगी उस दिन डेली। अपना फैमिलियर है हम भी आप भी सब, वही एरर। एरर जैसे साइंस की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ जैसे, और समझने में बात करूँ, जैसे एक बॉडी है, मान लो इस बॉडी का मास है 5 kg, ठीक, इस बॉडी का मास है 5 kg। इस बॉडी को हम ले गए, हमने एक वेट मशीन पे तोला, इस बॉडी को नापा, रख दिया हमने बॉडी को तराजू पे। अब कई दफा होता तराजू बेकार होता है, बड़े 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 420 लोग हैं, बनिया ने दुकान चले जाओ तो को 4 kg चीज 5 kg बना के दे दे तुमको। ऐसे होते तराजू की सेटिंग होती है, सेटिंग घेटिंग कर लेते हैं, खराब कर देते हैं। तब तराजू पे तुम नापोगे, जाके इसको नापोगे, मान लो तुम्हें नापा और ये आया 5.5 kg, ओरिजिनल है 5 और तुम नापे आया कितना 5.5। या कई बार तराजू बाई चांस गड़बड़ हो जाता है, तुम नापे आया कितना 4.5 kg। तो ये जो तुम नाप रहे हो, जो तुम तौल रहे हो, क्या सही है? नहीं, सही तो नहीं। 5 kg ओरिजिनल मास है, कभी 5.5 आ रहा, कभी 4.5 आ रहा, तो सही तो नहीं, यानी कि एरर है, गलत है। यानी कि अगर मैं कह दूं फाइनल मास ये एम डैश है, नापने के बाद कितना है, एम डैश है ये मास, ठीक सर। अच्छा ऊपर वाले डाटा से देखो, अगर मैं पूछूं कितनी गलती हुई डेल्टा एम, तो गलती हुई भैया फाइनल माइनस ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देते हैं, तो 5.5 - 5.5 की गलती हुई। हाँ गलती पॉजिटिव कहलाती है, ये पॉजिटिव एरर है, ज़्यादा नाप लिए ना तो प्लस में आया तो पॉजिटिव एरर। और अगर मैं कहूँ 4.5 kg आया होता तो एम डैश माइनस एम करते 4.5 - 5 नेगेटिव का 0.5 नेगेटिव एरर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नेगेटिव एरर कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? पॉजिटिव एरर कहा जाता है। अबे बहुत रोल नहीं है नेगेटिव एरर पॉजिटिव एरर, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। देखो एक बात ध्यान रखो बाबू, गलती तो गलती है, गलती तो गलती है, भले नेगेटिव में करी गई हो, भले पॉजिटिव में करी गई हो,
गलती तो गलती होती है, और गलती का होता है पनिशमेंट, सजा, क्योंकि गलती तो गलती है। ठीक, अब टाइम हो गया है इसलिए मैं इसको कंटिन्यू अगले टर्न पे करूँगा। आज के लिए सर इतना ही, धन्यवाद।